कैन आई रिक्वेस्ट रवि दहिया जी हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं, सिल्वर मेडलिस्ट इन द 57 किलोग्राम मेंस रेसलिंग कैटेगरी। एक सवाल इससे पहले मैं आपको जानने दूं, पहले ये बताइए, ये आप ये चोटे लगे या होली खेल क्या? देखो चोटे थोड़ी बहुत तो है, गेम है हमारा रेसलिंग, ऐसा गेम है, थोड़ा बहुत इसमें होता रहता है। अच्छा एक इंस्पिरेशनल स्टोरी थोड़े हमारे दर्शकों को आप बताएं, वो ये कि जब आपने रेसलिंग की शुरुआत की, मैं कहीं पढ़ रहा था तो शुरुआती 4-5 साल इतने अच्छे नहीं रहे, इतने आप परफॉर्म नहीं करते थे, फिर आप पता चला आयरन डेफिशिएंसी है, वो आपने इम्प्रूव करी, उसके बाद से कोई भी रवि दहिया को रोक नहीं पाया रेसलिंग मैट में, उसके बारे में थोड़ा हमें बताएंगे। देखो जी स्टार्टिंग हमारी होती है ना तो बहुत ग्राउंड लेवल पे होती है, तो गांव में शुरू की, बिल्कुल गांव से थी और उसमें मतलब बहुत मतलब मिट्टी से थी। उसके बाद हम दिल्ली आ गए स्टेडियम में, तो मतलब देखा अपने सामने, मतलब बड़े बड़े चैंपियनों को अपने सामने देखा बिल्कुल। 2008 में जब मैं आया था शुरुआत में तो सुशील कुमार का मेडल आया था, 2012 में योगेश्वर दत्त और सुशील दोनों का आया, तो उनका मेडल था मेरे सामने, तो मैं भी देखता था कि इनका इतना सम्मान मिलता है तो बहुत खुशी होती थी देख के, भाई मेरे को भी ऐसा करना, अगर मैं ऐसा करता हूँ तो मतलब देखो कितना सम्मान मिलेगा। इनको देख देख के मैं आगे बढ़िया और मैं आज यहाँ खड़ा हूँ। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप मेरे साथ जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद सबका। राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर रवि दहिया। इस बीच में दो कोचेस को यहाँ पर आमंत्रित करना चाहूंगा, अगर स्टेज पे आए जो रेसलिंग कोचेस हैं भारत के, जगमिंदर सिंह जी प्लीज अगर आप आ जाएं स्टेज पे, और उसके अलावा एमजारियोस बेंटनाइडिस इफ ही कैन ऑल्सो कम ऑन स्टेज प्लीज फॉर द सेरेमनी। बस यही है ना, ये कर दो यार दे। अरुण दहिया जी ऑल्सो इफ यू कैन कम ऑन द बात करें।